जी प्रशांत जी, इसका जवाब दीजिए, क्या लग रहा है ऐसे पॉजिटिव मैसेज जाएगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव के लिए और एंड चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा चल रही है, तो एक तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं आप और बोल रहे इतना विकास हो चुका है, तो फिर इतनी सारी चीजों की जरूरत क्यों लग रही है और क्यों आप पे इतने आरोप लग रहे हैं कि आप यहाँ पर लालच दे रहे हैं, खरीद रहे हैं इस वजह से? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि हम लालच दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या वो कल बताएंगे, क्या वो बिकाऊ लोगों को अपनी टिकट, अपनी पार्टी में टिकट देकर के शामिल कराते हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी के कांग्रेस लोग अन्य दलों में जा रहे हैं, उनको उनके कैडर के लोग थे, कोई नए तो आए नहीं थे, तो ये तो उनके जो अध्यक्ष है उनपे सवाल उठता है कि भाई उन्होंने क्या पैसे दे के लोगों को टिकट दिए थे क्या बिकाऊ लोगों को, तो उनके ऊपर सवाल उठता है। और कांग्रेस के साथी को क्या है कि अभी समझौता नई प्रवक्ता, उनको उत्तर प्रदेश के तथ्यों का पता नहीं है। हमारे कई निषाद समाज से राज्यसभा और लोकसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर से सांसद दो बार से निरंजन ज्योति जी हैं, निषाद वर्ग से लगातार केंद्र सरकार में मंत्री हैं 9 साल से, जयप्रकाश निषाद अभी राज्यसभा सांसद थे, बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद है, संगीता बलवंत जी अभी बिंद जी वो निषाद समाज से वो राज्यसभा बनी है, तो कोई बाकी जो प्रवीण निषाद जी तो सांसद है ही है, तो ऐसा नहीं हमने सभी वर्गों को लोग बनाया। आप किसी भी जात का नाम लीजिए, दो दो तीन तीन लोग हमारे लोकसभा राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कि दो चार लोगों का के वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो कृपया जब आप डिबेट में बैठे तो तथ्यों के साथ बोले, अपने अपने घर पे जाके बाकी दूसरों पर मत करें। और कांग्रेस पार्टी पे तो सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कौन यहाँ रहना चाह रहा है? ये लोग अपने मुतालबे में है, राहुल गांधी वहां जाके एक कैंटीन में बैठ करके हॉल बुक करा के पेड इवेंट कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां कैमरे में हम लोग इन्वेट कर रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पे जो है भारतीय यात्रा निकाले, उसका देश छोड़ के भाग रहे जा रहे हैं चुनाव के बाद, जब चुनाव हार जाते हैं तो अनु जी इसका जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं अनु जी। हाँ बोलिए। अनु जी जवाब दे रही थी, आप बोलिए। जी मैं यही कह रही हूँ कि मैंने तो इनसे यही पूछा है कि आपने निषाद समाज से जो वादा किया था, ये खुले मंच पे सीएम योगी अपने जी वादा किया था कि हम निषाद को ऐसी आरक्षण देंगे, और आज भी क्या उनको आरक्षण मिल पाया? दूसरी बात, अभी तक लगातार भाजपा द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाते थे कि हम लोग जाति रूप से राजनीति करते हैं, और आज ये खुद ही बैठ के गिनती गिन रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इस समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, इस समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। आप आरोप हम पे लगाते थे कि हम लोग जाति रूप से लोगों को बांटते हैं। प्रशांत जी, हाँ बोलिए। आप खुद ही काम कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी, कैसे लोगों का जवाब तो सुनवाती है इनका? अभी इन्होंने बोला कि एक ही निषाद के व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया, अब मैंने नाम गिना दिया तो कह रहे कि हमने कभी नहीं कहा। जिसकी अपनी कथनी और करनी कोई बातों का ही भरोसा नहीं, उनको ऐसे अगंभीर लोगों को मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, चलिए कपीश जी का जरा रुक करते। कपीश जी, क्या लग रहा है कि आपका पीडीए जो फॉर्मूला है वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से राज्यसभा में हुआ और आपके जो अपने हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, कैसे और कांग्रेस के साथ गठबंधन क्या बीजेपी से पार लगा पाएगी, क्योंकि पूर्वांचल या पश्चिमी सीट को जैसे साधने की कोशिश चल रही है, आपको लग रहा है आपके इलाके में सेंधमारी की कोशिश भी है, मुस्लिम समाज को भी साधने की कोशिश है? देखिए दीपाली, इस बात को तो क्रिस्टल क्लियर अपने समझ लीजिए कि विधायक भी काबू हो सकता है, पार्टी अपनी जगह पर होती है, और जनता को खरीदने की ताकत अभी किसी में नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं 2024 में ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो सिर्फ अपने आप को मंत्री बनाने के लिए अपनी जाति के लोगों के साथ, अपने धर्म और वर्ग के लोगों के साथ, अपने इस प्रदेश के नागरिकों के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। लेकिन ये तो आप अभी हमारे सुबसपा के मित्र खुद ही कह रहे थे कि उनका अंतरात्मा ऐसे जाग गई है, वो आपने राम मंदिर के मुद्दे पर भी एकदम अपने आप को अलग कर दिया, तो वो तो खुद भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो जनता तो ये भी देख रही है। अच्छा, पल्लवी पटेल ने बोल दिया कि नहीं हमने तो पीडीए को वोट किया है। नहीं नहीं, सुने सुने, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी की अंतरात्मा जाग गई थी तो किसकी आत्मा और शरीर को किसने पकड़ रखा था? जो आप राज्यसभा के सांसद के इलेक्शन में 12,000 करोड़ की जो मालकिन गैर संवैधानिक चंदे से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी है उसके पास आप जाकर के कर रहे हो, कैसे कोई मानेगा? आप मानोगी दीपावली? ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी को हमसे व्यथा थी, पार्टी से व्यथा थी, पार्टी के किसी नीतियों से व्यथा थी, तो उसको पब्लिक डोमेन में जाके इन बातों को उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
हमेशा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अंत तक बैठे रहे। इसको कहते हैं दगाबाजी, इसको कहते हैं धोखेबाजी। कि मनोज पांडे मिलने का वक्त मांगते थे, अखिलेश जी देते नहीं थे। कई लोग थे जो ये कह रहे थे कि सुनते नहीं थे अखिलेश जी। अरे क्या बात कर रहे हैं दीपाली, आप स्वयं देखें कि अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और मनोज पांडे जी ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठे होते थे, एक और अवधेश बाबू दूसरे। तो आप उठा के देखिए ना, ये कहने वालों से क्या थोड़ी है। आप कान देखिए, कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे थोड़ी ना भागना है। मीडिया को तो कान पकड़ के देखना है। और मैं एक बात ये आपको कह रहा हूं कि हमारे सुबसपा के जो मित्र हैं वो इस समय सीप की तरह हैं, जो कि स्वाति की बूंद के इंतजार में हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने स्वाति की बूंद जब टपकी थी तो उसको मुंह में लेके कुल्ला कर दिया था आशीर्वाद देते हुए, और मंत्री पद पे लात मार दी थी। आज उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई, मंत्री पद जरूरी है, विपक्ष की राजनीति कर पाना बहुत कठिन काम है जो समाजवादी पार्टी कर रही है। ये लोग तो कहां गए हैं, किसको बढ़ाने गए हैं। ये वही रालोद है जो आज तक हमारे साथ खड़ा होकर क्या कहती थी कि ये संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला रहे हैं, ये संविधान के विरोधी हैं, ये पीडीए के विरोधी हैं, ये जाटों के विरोधी हैं, ये किसानों के विरोधी हैं, इनके 750 किसानों के खून से सने हुए हाथ हैं। आज सब पाक साफ हो गए, किसान आज भी आंदोलित है। रालोद को उसकी औकात का पता चल जाएगा, क्योंकि आज आप चौधरी चरण सिंह के विरासत को स्वार्थ की लुलुपता में आपने ताप दिया है। ठीक है, चलिए। और आज जो भारत रत्न को इन्होंने रेवड़ी बना करके बांटा है उसकी भी चीजें खत्म हो गई हैं, ये भी आपको सोच लेना चाहिए। लेकिन तो आज विक्रय हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, बकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये महाराष्ट्र की सरकार जो गिराई गई ये गैर वैधानिक तरीके से गिराई गई है। प्रशांत जी आप ही दीजिए, लेकिन नहीं, प्रशांत जी के पास जवाब नहीं है। प्रशांत जी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पांच संवैधानिक पीठ को कह देंगे क्या कि गैर संवैधानिक ने घोषित कर दिया प्रधानमंत्री जी के इस गैर कानूनी चंदे को, क्या कहेंगे ये? ठीक है प्रशांत जी, जवाब दीजिए। प्रशांत जी कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में, ठीक है प्रशांत जी, आज ये तो संवैधानिक ये लोग जो है हिलाने वाले हो चुके हैं, ये इस देश का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, उसको रेवड़ी कह रहे हैं। कमजोर करने वाले समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के लिए भारत रत्न मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के लिए रेवड़ी मांग कर रही है। समाजवादी अगर उनको पद्म विभूषण दिया गया उनके राजनीतिक कार्यों के लिए तो वो भी क्या रेवड़ी मांगती समाजवादी पार्टी? मैं तो पूछ रहा हूँ कि पद्म विभूषण भारत रत्न को नहीं है, आपने देखो पहले से भी कई लोगों को दिया जाता है। इसका मतलब लेकिन भारत रत्न साल में एक बार मिलता है, पार्टी कह रही है आपने रेवड़ी बना करके बांटा है दूसरों को, इसका विक्रय करने से कोई किसान खुश नहीं है। ये तो आपका आपने दो दो लोगों को सुन लेते प्रशांत जी क्या कह रहे हैं। रुकिए कपीश जी, आपने अपनी बात रखी है। प्रशांत को लागू नहीं करेंगे लेकिन स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दे देंगे, हम किसानों की हत्या करवाएंगे अपने विधायक और अपने मंत्रियों से, लेकिन साहब हम किसानों के कपीश जी होंगे। आपकी बात हो गई, जवाब भी तो सुन लेते हैं। जवाब आप किसानों की हत्या करा रहे हो, दूसरे तरफ आप भारत रत्न जो है चौधरी चरण सिंह को दे रहे हो, ठीक है कपीश जी रुकिए जरा, कमेटी की रिपोर्ट लागू कर रहे हो, दूसरे तरफ आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसी को लागू नहीं कर रहे। कपीश जी आपने अपनी बात रख ली है, आपने अपनी बात रखी है, जरा बोलने दीजिए प्रशांत जी को। हाँ प्रशांत जी बोलिए। देखिए इनका इस तरह समाजवादी का पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हैं, सरकार पे हमला करते, बात समझ में आती है। लेकिन जो देश का सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं भारत रत्न, उसको ये रेवड़ी कह रहे हैं का जवाब? क्या आज तक जितने भी लोगों को रेवड़ी है पुरस्कार, वो रेवड़ी है? आज जी मेरे प्रश्नों का उत्तर पुरस्कार मिला, पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिला, क्या रेवड़ी है? मुलायम सिंह यादव जी को मिला, क्या रेवड़ी है? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देश के प्रतीकों के साथ देश के सम्मानों का इस तरह का अपमान समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध करना है करिए, लेकिन आप इस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी का भी अपमान कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं इसका मतलब उनको रेवड़ी मिला है, और आप दूसरी रेवड़ी की मांग कर रहे हैं। आप मांग करते हैं ना कई सालों से उनको भारत रत्न दिया जाए, आप मतलब दूसरों कह रहे हैं कि बिका हुआ है। प्रशांत जी अभी जो बात कही उसका तथ्यों का जवाब दीजिए। योगी जी को कटोरा तो थमाई देंगे अमित शाह जी के आगे, कटोरा लिए तो आप घूम रहे हैं। घूमेगा मेरे दोस्तों, आप कोई ना कोई कम परसेंट वोट मिला मध्य प्रदेश में आप गए। आज तक राजभर साहब टांगे थे, अब योगी आदित्यनाथ टांग के घूमेंगे।
अगर विस्तार होता है राजभर साहब मंत्री बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को मठ में वापस चले आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रशांत जी आप जवाब दीजिए फिर। ये ओपी राजभर जी का जवाब तो सुनील जी दे पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, भाई ये आज राजभर जी को लोकदल को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। ये 47 सीटों पर थे राजभर जी और लोकदल इनके साथ मिले 47 से 111 सीटों पर आज गए। आज जब इनकी बात नहीं बनी तो गाली देने लगे। अब जवाब दे रहे थे कि इनकी तो औकात याद दिला देंगे कपीश जी। अब वो अब कौन क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताएगा, ये तो जनता बताएगी। आप कह रहे हैं ना कि जनता बताएगी तो जनता बताएगी, लेकिन अभी जवाब दे नहीं। इसीलिए तो भीख का कटोरा लिए आज भी राजभर साहब योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पे खड़े हैं और अमित शाह वो कटोरा अब योगी आदित्यनाथ। अच्छा भरत जी क्या कह रहे हैं आप बोलिए। कपीश जी थोड़ा धैर्य से सुनिए और उनको जवाब सुनने दी, जवाब आप लीजिए ना, जवाब देने के लिए तैयार है। चाहे हमारे माननीय प्रवक्ता जी कि राजभर साहब ने योगी आदित्यनाथ को भीख का कटोरा थमाने के लिए नहीं कहा। आपका मानसिक संतुलन आप कह दीजिए, आपकी बात मान लेंगे। कपीश जी अभी शांत हो जाइए क्योंकि वक्त कम है, बहुत जल्दी से जवाब लेना है। सुनील जी अपनी बात रखिए फिर मैं जरा भरत जी के पास भी जाऊंगी जल्दी से। कपीश जी बड़ा छोटा सा अनुरोध है मेरा। मैं पूरी तरीके से जान रहा हूँ कि कपीश जी वाकई में अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं और इनका कुछ भी होने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। मैंने तो सिर्फ उन बातों को कहा जो आदरणीय राजभर साहब ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था। कपीश जी एक सेकंड, मैं सबको बात करने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए भरत जी। विरोधी जरूर है कपीश जी, मैं भी बोल सकता हूँ अगर आपका आपका कपीश जी जरा शांत हो जाइए। ठीक है आपने अपनी बात रख ली है। कपीश जी अगर आप बोलने दें आपका, अगर मैं आग्रह करता हूँ। हाँ बोलिए भरत जी। कपीश जी सिर्फ एक बात बताइए, इस समय चर्चा हो रही है राजनीतिकरण की, तो अखिलेश जी जिस सीट से लड़ते हैं वहां से क्यों लड़ते हैं? जिस राजनीति को लेके आप इतनी चर्चा कर रहे हैं। किन किन सीटों से लड़े, एक मिनट सुनिए। नहीं नहीं देखिए अब आप नहीं नहीं, ये जो आपने भी यू टर्न लिया कभी गुस्सा मत होइएगा। देखिए मोदी जी जो हैं वो काहे वहां से लड़ते हैं, वायनाड से लड़े। गुस्सा मत होइए, देखिए आप मोदी जी को वायनाड से लड़े, आप गुस्सा हो रहे हैं। नहीं नहीं बहुत छोटी सी बात है, पूछ रहा हूं कि आप यादव बाहुल क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ते हैं? जो ये कह रहे हैं यादव बाहुल क्षेत्र से क्यों लड़ते हैं? आप एक काम करिए ना, आज बैठ करके और जाति गिना रहे तो कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करती है। चलिए ठीक है मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक है